हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? हमने पिछले लेक्चर में अवगाद्रो का नियम तक देख चुके थे, अब हम देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। हालांकि द्रव्य के छोटे अविभाज्य कणों जिन्हें एटोमोस अर्थात अविभाज्य कहा जाता था द्वारा बने होने के विचार की उत्पत्ति ग्रीक दर्शन शास्त्री डीमेक्रिटस 460 से 370 बिफोर क्राइस्ट ठीक है के समय हुई, परंतु कई प्रायोगिक अध्ययनों जिन्होंने उपरोक्त नियमों को जन्म दिया के फलस्वरूप इस पर फिर से विचार किया जाने लगा। सन 1808 में डाल्टन ने रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित तथा प्रस्तावित किए। क द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है, मतलब द्रव को अब हम डिवाइड आगे और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि जो सभी परमाणु हैं उनके द्रव्यमान एक समान होते हैं, मतलब अगर हाइड्रोजन का परमाणु है तो सारे परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा, समान उनकी प्रॉपर्टी होगा, गुणधर्म होगा ठीक है। और जो अलग अलग जैसे हाइड्रोजन ठीक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये अलग अलग जो हमारे परमाणु हैं इनका द्रव्यमान अलग अलग होगा ठीक है। तो इसीलिए इनके नियम में आइसोटोप की गणना नहीं की गई थी। अब ग, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। उन्होंने कहा कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में जब फिक्स रेशियो में, मतलब एक डिफिनिट एक फिक्स रेशियो में जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। मतलब यौगिक में हमारा जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, जैसे कि अगर पानी है, पानी हमारा एक यौगिक है जिसे कहते हैं H2O, तो उसमें दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। घ, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ये बोल रहे हैं जो रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो परमाणु बस क्या कहते हैं, अपनी अलग अलग पोजीशन लेते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं ठीक है। हम उनको क्या कहते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं न तो बना सकते हैं ओके। जैसे पहले हाइड्रोजन H2 अलग था, ऑक्सीजन अलग थे, अब दोनों ने मिला तो अपने को पुनर्व्यवस्थित किया दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ में ठीक है। डाल्टन के इस सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। 1.7, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। परमाणुओं और अणुओं से परिचित होने के पश्चात अब यह समझना उचित होगा कि परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान से हम क्या समझते हैं। 1.71, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान अर्थात किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। आज सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की बेहतर तकनीकें जैसे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीति हमारे पास उपलब्ध है, परंतु जैसा पहले बताया गया है 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित कर सकते थे। पहले हम क्या करते थे, सापेक्ष करते थे, तुलना करते थे कि इसको हमने एक मान लिया और बोले कि इसके कंपेरिजन में ये दो गुना है, तीन गुना है, चार गुना है ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु को सबसे हल्का होने के कारण स्वेच्छ रूप से एक द्रव्यमान बिना किसी मात्रक के दिया गया और बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान उसके सापेक्ष दिए गए। परंतु परमाणु द्रव्यमान की वर्तमान पद्धति कार्बन 12 मानक पर आधारित है, कार्बन 12 पर आधारित है। इसे सन 1961 में स्वीकृत किया गया। यहाँ कार्बन 12 का एक समस्थानिक है, मतलब आइसोटोप्स है, जिसे कार्बन 12 को 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान दिया गया। बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान इसे मानक मानकर इसके सापेक्ष दिए जाते हैं।
ठीक है, तो कार्बन को हमने 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक दिया, मतलब 12 एटॉमिक मास यूनिट उसका वेट माना, और उसके 1/12 पार्ट को 1 AMU माना, 1 एटॉमिक मास यूनिट माना, और इसी के सापेक्ष, इसी से तुलना करके अब हम बाकी के मास को बताते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, और 1 AMU = 1.66056 × 10⁻²⁴ ग्राम हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान = 1.6736 × 10⁻²⁴ ग्राम है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 AMU = 1.66056 × 10⁻²⁴ ग्राम, और हाइड्रोजन 1.67, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा, 36 × 10⁻²⁴ ग्राम। अतः AMU के पदों में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.6736 × 10⁻²⁴ ग्राम, यह हुआ हाइड्रोजन का मास, और 1.66056 × 10⁻²⁴ ग्राम किसका हुआ, 1 AMU का मास, आप यहां से देख सकते हैं। ओके, आया 1.0078 U, U को ही हम बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसी प्रकार ऑक्सीजन 16 परमाणु का द्रव्यमान 15.995 AMU, और नियरेस्ट अगर हम देखें, अप्रॉक्स देखें, लगभग देखें, तो 16। आजकल AMU के स्थान पर U का प्रयोग किया जाता है, जिसे एकीकृत द्रव्यमान यूनिफाइड मास कहा जाता है। जब हम गणनाओं के लिए परमाणु द्रव्यमानों का प्रयोग करते हैं, तो वास्तव में हम औसत परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। हम औसत निकालते हैं, क्योंकि सारे तत्वों के, लगभग तत्वों के हमें आइसोटोप मिलते हैं, ठीक है। जब आइसोटोप मिलते हैं, तो हम आइसोटोप के भी मास और उनके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि अगर 100% है, हम ये मानते हैं कि हो सकता है 1% वो इस फॉर्म में रहता हो, एक और 99% इस फॉर्म में रहता हो। ऐसा भी हो सकता है कि 50% उसका मास इतना है, 50% एटम का, और अगर अगले 50 का इतना है, तो दोनों का हम एवरेज लेते हैं, रेशियो लेते हैं, ठीक है। औसत परमाणु द्रव्यमान, प्रकृति में अनेक तत्व एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं, समस्थानिकों हैं आइसोटोप्स। जब हम इन समस्थानिकों की उपस्थिति, प्रेजेंस और उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता, मतलब वो कितना उनका मात्रा है, बाहुल्यता, ठीक है, प्रतिशत उपलब्धता को ध्यान में रखते हैं, तो किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिनकी आपेक्षिक बाहुल्यता, मतलब एबंडेंस और द्रव्यमान, इस सारणी में उनके सामने दर्शाए गए हैं। कार्बन 14 है, ये लगभग, इसकी बाहुल्यता एबंडेंस 98.892 है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन 13 जो 1.108% पाया जाता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 13.00335, और कार्बन 14 जो है उसका आपेक्षिक बाहुल्यता 2 × 10⁻¹⁰ है, और इसका परमाणु द्रव्यमान 14.00317। ये कार्बन 14, इसका यूज क्या करते हैं हम, किसी फॉसिल्स का एज पता करने के लिए करते हैं, जहाँ पे हम कार्बन डेटिंग की मदद से, ऊपर दिए गए आंकड़ों से कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार प्राप्त होगा। औसत परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू जितना परसेंटेज है ना, ठीक है, अगर हम 1 में डिवाइड कर लेंगे तो 0.998 हो जाएगा, अगर 100 में देखते तो 98.892, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो 0.98892 × 12 + 0.01108 × 13 उसके मास से 00335 प्लस 2 × 10⁻¹⁰ × 14, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, 2 × 10⁻¹⁰ होना चाहिए, क्योंकि वो परसेंटेज में 2 × 10⁻¹⁰ ऑलरेडी है, ठीक है, अब हम उसे 1 में चेंज किए हैं, तो 2 × 10⁻¹⁰ होना चाहिए × 14.00317, ठीक है, U। तो हमें अप्रॉक्स करना आ रहा है 12.011 U, यूनिफाइड मास। इसी प्रकार अन्य तत्वों के लिए भी औसत परमाणु द्रव्यमान परिकलित
किए जा सकते हैं, मतलब कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में विभिन्न तत्वों के लिए दिए गए परमाणु द्रव्यमान उन तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान होते हैं। जो हमें पीरियोडिक टेबल में मास दिया गया है वो औसत दिया गया है, ना कि किसी एक फिक्स कार्बन 12 या कार्बन 13 या कार्बन 14 का मास नहीं, इन तीनों का एवरेज दिया गया है। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के दिए गए हैं। आणविक द्रव्यमान, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थिति परमाणुओं की संख्या के गुणनफलों के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मीथेन, जिसमें एक कार्बन परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, का आणविक द्रव्यमान इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है कि हमें मीथेन पता हो गया, हमें ये पता है कि इसमें एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है, तो हम एक कार्बन का मास लिख लिए प्लस 4 × एक हाइड्रोजन का मास से मल्टीप्लाई कर दे, 4 × एक हाइड्रोजन के मास से हमें कितना मिल गया, 16.043 U। इसी प्रकार जल H2O का आणविक द्रव्यमान 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू 2 × 1.008 U प्लस 16 U इक्वल टू 18.02 U। उदाहरण 1.1, ग्लूकोस C6H12O6 अणु का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। हल, ग्लूकोस C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान होगा 6 × 12.011 U प्लस 12 × 1.008 हाइड्रोजन का मास प्लस 6 × 16 ऑक्सीजन का मास, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 6 कार्बन थे तो 6 × 12, 12 हाइड्रोजन थे, 12 × हाइड्रोजन के मास प्लस 6 × ऑक्सीजन के मास, सबको मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड किया, हमें किसका मिल गया, आणविक ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान मिल गया, कितना मिला, 180.162 U। 1.74, सूत्र द्रव्यमान कुछ पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड में उनकी घटक इकाई के रूप में विविक्ति अणु उपस्थित नहीं होते, ऐसे यौगिकों में धनात्मक सोडियम और ऋणात्मक क्लोराइड कण त्रिविमी संरचना चित्र 1.10 के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार सूत्र जैसे NaCl का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान परिकलित करने के लिए किया जाता है, न कि आणविक द्रव्यमान के परिकलन के लिए, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित ही नहीं होते, अतः सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 23 U प्लस 35.5 U इक्वल टू 58.5 U। मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान 1.8, परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इतनी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए इतने ही परिमाण के एक मात्रक की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम 12 वस्तुओं के लिए एक दर्जन, 20 वस्तुओं के लिए एक स्कोर समंक और 144 वस्तुओं के लिए एक ग्रॉस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पर कणों जैसे परमाणुओं, अणुओं, कणों, इलेक्ट्रॉनों आदि को गिनने के लिए मोल की धारणा का उपयोग किया जाता है। एसआई मात्रक में मोल संकेत को किसी पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने के लिए 7 आधार राशियों में सम्मिलित किया गया है। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम या 0.012 kg, 12 ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लिए, में परमाणुओं की संख्या होती है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी, भले ही वह कोई भी पदार्थ हो।
इस संख्या के सही निर्धारण के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा ज्ञात किया गया, जिसका मान 1.992648 × 10⁻²³ ग्राम प्राप्त हुआ। एक कार्बन एटम का मास, कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, अतः कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या इस प्रकार होगी, 12 ग्राम पर मोल में अपान 1.992648 × 10⁻²³ ग्राम पर कार्बन परमाणु। तो हमें मिल गया नंबर ऑफ एटम्स 6.022 × 10⁻²³ परमाणु प्रति मोल। सिंपल सी बात है, हमें अगर एक एटम का मास पता चल गया, ठीक है, कि 1.992648 × 10⁻²³ ग्राम पर कार्बन एक कार्बन एटम का मास है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि 12 ग्राम में कितने एटम होंगे, तो 12 अपान 1.99 और 2648 एक एटम का मास से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा। एक मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और संकेत दिया गया, जिसे आमीडियो अवोगाड्रो के सम्मान में अवोगाड्रो संख्या कहते हैं और Na से व्यक्त करते हैं, मतलब इसे Na से दिखाते हैं, शो करते हैं। इस संख्या के बड़े परिमाण को अनुभव करने के लिए इसे 10 की घात का उपयोग किए बिना आने वाली सभी शून्यों के साथ इस प्रकार लिखें, 6.6022136700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 
वक्त संख्या के बराबर कण परमाणु अणु या कोई अन्य कण होंगे। अतः हम यह कह सकते हैं कि एक मोल हाइड्रोजन परमाणु मतलब 6.02×10^23 हाइड्रोजन परमाणु। अगर हम बोल रहे हैं एक मोल जल अणु मतलब 6.02×10^23 जल अणु, अगर हम बोल रहे हैं एक मोल सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड के 6.02×10^23 सूत्र इकाई। चित्र 1.11 में विभिन्न पदार्थों के एक मोल को दर्शाया गया है। मोल को परिभाषित करने के बाद किसी पदार्थ का उसके घटकों के एक मोल के द्रव्यमान को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मतलब अगर एक मोल हम लेते हैं फिर वो जितना ग्राम आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान सूत्र द्रव्यमान के बराबर होते हैं। इसका कहना ये है कि जो हमारा मोलर मास आता है हमारे एक एटम का जो एटॉमिक मास यूनिट था उसी के क्या आता है, बराबर आते हैं। प्रतिशत संगठन, क्या प्रतिशत संगठन, अभी तक हम किसी नमूने में उस उपस्थित कणों की संख्या के बारे में चर्चा कर रहे थे, परंतु कई बार किसी यौगिक में किसी विशेष तत्व के प्रतिशत की जानकारी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आपको कोई अज्ञात नया यौगिक दिया गया और आप पहले यह प्रश्न पूछोगे कि इसका सूत्र क्या है और इसके घटक कौन कौन से हैं और वे किस अनुपात में उपस्थित हैं। ज्ञात यौगिकों के लिए भी इस जानकारी से पता लगाने में सहायता मिलती है कि क्या दिए गए नमूनों में तत्वों की वही प्रतिशत है जो शुद्ध नमूनों में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह जानने में सहायता मिलती है कि दिया गया नमूना शुद्ध है या नहीं। आइए जल H2O का उदाहरण लेकर इसे समझें। चूंकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होती है अतः इन तत्वों का प्रतिशत संगठन इस प्रकार परिकलित किया जा सकता है। किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान
इंटू 100 अपान यौगिक का मोलर द्रव्यमान। हाँ भाई प्रतिशत हम इसी तरह से निकालते हैं ना कि टोटल टोटल में से टोटल मार्क्स में से हम कितना मार्क्स पाए, उसी तरह से यौगिक का मोलर द्रव्यमान मतलब पूरे कंपाउंड का द्रव्यमान और उसमें उस यौगिक में जो है उसका द्रव्यमान। जैसे हम अगर सब्जेक्ट में मार्क्स पाते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जितने भी पांच सब्जेक्ट थे तो उसमें पांच सब्जेक्ट एक तरीके से मान लें कि हमारा यौगिक हुआ और उसमें से एक सब्जेक्ट हुआ कि इस पांच यौगिक मतलब कि पांच एलिमेंट मिलके एक यौगिक को बनाया। तो अलग अलग एलिमेंटेज एलिमेंट का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं मार्क्स के हिसाब से। उसी तरह से यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान अपान यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। जल का मोलर द्रव्यमान 18.02 ग्राम। हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत 2 अपान जल का द्रव्यमान 18.02। ठीक है तो 2 इंटू 1.008 इंटू 100। अब ये 2 तो दो हाइड्रोजन थे और इंटू उसके मास से मल्टीप्लाई कर लिए। ऑक्सीजन की द्रव्यमान प्रतिशत तो 16 अपान 18.02 इंटू 100। आइए एक और उदाहरण लें। एथेनॉल में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। एथेनॉल का आणविक सूत्र C2H5OH है। एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 2 इंटू 12.01 प्लस 6 इंटू 1.008 प्लस 16 इक्वल टू 46.068 ग्राम। कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत 24 क्योंकि 2 कार्बन है 24.02 ग्राम अपॉन 46.068 टोटल द्रव्यमान इंटू 100 मतलब कि जिसका हमें प्रतिशत निकालना है उसका मास अपान टोटल मास ऑफ यौगिक का इंटू 100। ठीक है अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन 6 का द्रव्यमान हो जाएगा 6.048 ग्राम अपान टोटल इथेनॉल का द्रव्यमान 46.068 ग्राम इंटू 100 कितना आया 13.13%। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ऑक्सीजन का मास होता है एटॉमिक मास एक ही है तो इसलिए 15.9994 अपान इथेनॉल का द्रव्यमान 46.068 इंटू 100 इक्वल टू 34.728%। द्रव्यमान प्रतिशत के परिकलनों को समझने के बाद अब हम यह देखें कि प्रतिशत संगठन आंकड़ों से क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। मतलब एक तरीके से मूलानुपाती सूत्र जैसे अगर हम हुआ पानी तो H2O तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 है H2O सिंपल रेशियो में बताया। अब इसी को अगर हम हाइड्रोजन में इसको 4 हाइड्रोजन बता दें और 2 ऑक्सीजन बता दें तो है तो एक तरीके से अगर जैसे बोल दें H4O2 तो है तो पानी ही ना। एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे। हल अब क्या करोगे आप, आपको परसेंटेज पता हुआ है और टोटल मास पता हुआ है तो आप मास निकाल सकते हो। तो चरण वन की द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करना। चूंकि हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत उपलब्ध है अतः 100 ग्राम यौगिक को मानकर हम परिकलना करना सुविधाजनक होगा। आसानी होता है अगर हम 100 ग्राम मान लेंगे तो सेम टू सेम उतने ग्राम हो जाएंगे। जैसे अगर 4.07% ये 4.07 ग्राम हो जाएगा, 24.27% ये 24 ग्राम हो जाएगा, 71.65% ये 71.65 ग्राम हो जाएगा। ओके तो चूंकि हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत उपलब्ध है अतः 100 ग्राम यौगिक को मानकर परिकलन करना सुविधाजनक होगा। इस प्रकार ऊपर दिए गए यौगिक के 100 ग्राम प्रतिदर्श में 4.07 ग्राम हाइड्रोजन, 24.27 ग्राम कार्बन, 71.65 ग्राम क्लोरीन उपस्थित है। प्रत्येक तत्व की मोलों की संख्या में परिवर्तित करना। अब मोलों में कैसे परिवर्तित करेंगे, हमें ये पता है ना एक मोल का मास पता है ना। अगर हमें वेट दिया हुआ है तो हम
मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसे हमें अगर ये दिया हुआ है कि 1 kg का मास अगर हमें पता है, ठीक है, 1 kg का मास हमें पता है, तो अगर हमसे 1 kg का मास हमें पता है और उसका हमें रुपया भी पता है कि 1 kg कोई आइटम है तो कितने में मिल रहा है, ठीक है। अगर अब हमसे पूछे कि नहीं, एक केजी का दाम 10 रुपये है तो 4.5 kg का दाम क्या होगा, तो इनटू मल्टीप्लाई करेंगे। और तो उसी तरह से अगर हमें ये तो पता चल गया सिंपल, अगर हमसे ऐसा कहा होता कि 1 kg 10 रुपये में मिल रहा है तो बताओ कि 45 रुपये में कितना केजी आया होगा, तो हम यही करेंगे ना, कहेंगे भाई 45 अपान पर केजी का दाम से डिवाइड कर देंगे, कहेंगे 4.5 kg आया हुआ है। तो उसी तरह से हमें वेट दिया हुआ है और 1 मोल का मास हमें पता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल मास अपान मोलर मास करना होगा, तो 4.07 ग्राम अपान 1.008 ग्राम कितना मिला, 4.04 ग्राम मिला। अब कार्बन के मोलों की संख्या, हमें मास ऑफ कार्बन पता है, हम मास ऑफ कार्बन कर लेंगे और उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। फिर से वही कि अगर कोई सामान 12 रुपये केजी है और अगर वो 36 रुपये का हम सामान लाएँ तो बताओ कितने केजी होगा, तो भारतीय 36 मतलब 3 kg होगा। तो उसी तरह से अगर एक मोल का हमें वजन पता है तो अगर 24 बोल रहा है तो बताओ कितने मोल होंगे, तो 24 अपान 10। उसी तरह से 24.27 ग्राम अपान 12.01 ग्राम और कितना आया आंसर, 2.021। अब क्लोरीन के मोलों की संख्या, हम क्लोरीन का परसेंटेज दिया हुआ था, मास दिया हुआ था, हमने मास मान लिया था उतना ही, 71.65 ग्राम अपान क्लोरीन के मोलर मास 35.453 ग्राम। ये तो आपको क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा किसका किस कितना मास होता है, ठीक है, इक्वल टू आ गया 2.021। अब हमें ये दिख रहा है कि यार 4.04 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2.021 कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन 2.02 है। अगर देखा जाए तो 2.02 का 2 जा अगर करेंगे तो क्या आएगा, 4.04 ही तो आएगा। मतलब अगर हम देखें तो क्लोरीन अगर एक क्लोरीन और अगर कार्बन सेम रेशियो में है तो हाइड्रोजन उसके दुगने रेशियो में, तो अगर हम इनको माने कि ये 1:1 रेशियो में है तो हाइड्रोजन क्या है, 2 रेशियो में। तो ऊपर प्राप्त मोलों की संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, 2.01, क्योंकि देखो सबसे छोटी संख्या को जब हम 1 मान लेंगे तो बाकी हमें 1 से ज़्यादा मिलेंगे और वो उससे हम रेशियो पता कर लेंगे, ठीक है। तो 2.021 सबसे छोटा मान है, मतलब 2.01 से विभाजन करने पर हाइड्रोजन रेशियो कार्बन रेशियो क्लोरीन के लिए 2:1:1 प्राप्त होता है। यदि अनुपात पूर्ण संख्या न हो तो इन्हें उपयुक्त गुणांक से गुणा करके पूर्ण संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। मान लो अगर कोई 3/2 आ जाता तो क्या करते, 2 से हम सब में मल्टीप्लाई कर देते, हाँ, तो वो 3 बन जाता, बाकी में 2 अधिक हो जाता, दोगुना हो जाते बाकी। तो चरण चौथा, सभी तत्वों के संकेत लिखकर क्रमशः ऊपर प्राप्त संख्याओं को उसके साथ दर्शाकर मूलानुपाती सूत्र लिखिए। अतः ऊपर दिए गए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा CH2Cl। अब आणविक सूत्र लिखना, तो मूलानुपाती सूत्र, द्रव्यमान निर्धारित कीजिए। मूलानुपाती सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग कीजिए। अब हमने योग किया, कार्बन 12 ग्राम हाइड्रोजन 12.01 ग्राम प्लस हाइड्रोजन 2:1.008 प्लस 35.453 आया 49.48 ग्राम। ये था हमारा मूलानुपाती सूत्र। और मोलर द्रव्यमान, हमें मोलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से विभाजित कीजिए। तो आया मोलर द्रव्यमान कितना था, 98.96, मूलानुपाती सूत्र 49.48 ग्राम, डिवाइड करने पे आया 2। मतलब कि मोलर द्रव्यमान वो है तो उसमें मतलब 2 गुना अभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कार्बन की संख्या को 2 गुना बढ़ाना पड़ेगा, हाइड्रोजन की संख्या को 2 गुना बढ़ाना पड़ेगा और क्लोरीन की संख्या को 2 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो मूलानुपाती सूत्र को ऊपर प्राप्त एन से गुणा करने पे हमें आणविक सूत्र प्राप्त होता है। मूलानुपाती सूत्र CH2Cl और n इक्वल टू 2 है तो आणविक सूत्र होगा C2H4Cl2। एक तरीके से मूलानुपाती सूत्र ये हो गया ना कि हम उसको इस तरह से लिख लें कि अब वो ना कटे, जैसे 2 4 2 था ना, तो इसको और काट लो तो 2 से डिवाइड कर लो,
ऐसे संख्या में लिखो कि जो प्राइम संख्या हो, जो कि अब ना कटे, ना अब उन्हें भाग करके और छोटा ना बनाया जा सके, तो सिंपल रेशियो में, वो भी काउंटिंग संख्या में, गिनने वाले संख्या में। तो दो चार दो था, अभी इन्हें छोटा किया जा सकता है अगर हम दो से डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो एक दो एक बन गया। तो मूलानुपात सूत्र था कि जो बस रेशियो बताएगा, क्या रेशियो बताएगा, जैसे अगर हम कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेशियो पूछेंगे तो 1:2:1 आएगा, तो मूलानुपाती सूत्र उस पर मैटर करता है। और आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र के जैसा भी हो सकता है और उसके मल्टीपल में भी हो सकता है, मतलब एन टाइम्स में हो सकता है, 1 times 2 times 3 times, समझ रहे हो। जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का सही संख्या को दर्शाता है। भाई आणविक सूत्र सही संख्या को दर्शाएगा कि दो कार्बन है, चार हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र बस रेशियो को बताएगा मूल। तो यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र निर्धारित किया जा सकता है, और यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो उसके मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। भाई हम मूलानुपाती सूत्र से कंपेरिजन कर लेंगे मोलर मास का आणविक सूत्र का। इन चरणों को इस उदाहरण द्वारा दर्शाया गया है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। स्टाइकियोमेट्री और स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन। स्टाइकियोमेट्री शब्द दो ग्रीक शब्दों स्टाकियोन जिसका अर्थ तत्व है, और मेट्रॉन जिसका अर्थ मापन है, मतलब कि तत्व का मापन, कौन किस में कितना तत्व जुड़ रहा है, समझ रहे हो ना, कितना तत्व किससे मिलके क्या बना रहा है, अब इसके बारे में हम देखेंगे, से मिलकर बनाए। अतः स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया मतलब रिएक्शन में अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान या कभी कभी आयतनों का परिकलन आता है। इसमें क्या आता है भाई, उनके परिकलन है, एटम्स की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितना किससे मिलके क्या बना रहा है, या कितना वॉल्यूम किससे कितना वॉल्यूम बना रहा है। यह समझने से पहले कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी या कितना उत्पाद प्राप्त होगा, यह जान ले कि किसी दी गई रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या जानकारी प्राप्त होती है। आइए मीथेन के दहन पर विचार करें, और इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण इस प्रकार है, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस प्लस, तो हमें मिला क्या, CH4 को हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया, क्या मिला, CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। तो आपने देखा ना कि एक मोल इसमें क्या था, एक मोल CH4 था, ठीक है, दो मोल ऑक्सीजन था, तो एक मोल हमें CO2 मिला और दो मोल H2O पानी मिला, या ऐसे बोले एक क्या कहते हैं मॉलिक्यूल CH4 था, तो दो मॉलिक्यूल O2 था, तो हमें कितना मिला, एक मॉलिक्यूल CO2 मिला और एक दो मॉलिक्यूल पानी मिला, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हम कहेंगे एक लीटर CH4 था, दो लीटर गैस के रूप में, भाई सब गैस के रूप में, तो एक लीटर CH4 गैस के रूप में था, दो लीटर O2 गैस के रूप में था, ठीक है, तो हमें एक लीटर CO2 गैस के रूप में मिला और दो लीटर पानी गैस के रूप में मिला, और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, अवोगाड्रो लॉ। यहाँ मेथेन और डाई ऑक्सीजन को अभिक्रिया या अभिकारक कहा जाता है, मतलब रिएक्टेंट, इंग्लिश में रिएक्टेंट अभिकारक आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को उत्पाद कहा जाता है, प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त अभिक्रिया में सभी अभिक्रिया और उत्पाद गैसे हैं, और इसे इनके सूत्रों के बाद कोष्टक में जी अक्षर को लिखकर व्यक्त किया जाता है। अगर गैस है तो गैस जी लिखेंगे, लिक्विड है तो एल लिखेंगे, ठोस है तो एस लिखेंगे। इस प्रकार ठोस और द्रव के लिए क्रमशः सॉलिड एस और लिक्विड एल लिखे जाते हैं। O2 और H2O के लिए गुणांक 2 को स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है, मतलब स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है।
इसी प्रकार CH4 और CO2 दोनों के लिए यह गुणांक एक है। देख लो आप, CH4 और CO2 के लिए गुणांक एक है और ऑक्सीजन और पानी के लिए गुणांक दो है। ठीक है, ये गुणांक अभिक्रिया में भाग ले रहे या बनने वाले अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को व्यक्त करता है। अतः ऊपर दी गई अभिक्रिया के अनुसार CH4 गैस का एक मोल ऑक्सीजन गैस के दो मोल के साथ अभिक्रिया करके एक मोल CO2 और दो मोल H2O पानी देता है गैस के रूप में, या CH4 गैस एक अणु O2 के गैस के दो अणु के साथ अभिक्रिया करके CO2 का एक अणु और पानी का दो अणु देता है। या हम ये बोले 22.7 लीटर, पता ही है कि 22.7 लीटर गैस STP पे होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 10^5 लगभग पास्कल, 1.01 × 10^5 पास्कल के बराबर। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा एक मोल गैस 22.4 लीटर के बराबर होता है और यहाँ पर ये NTP पे लिया है तो इसलिए 22.7 लीटर के बराबर CH4 गैस एंड 45.4, क्योंकि 22.7 का ही मल्टीपल 45.4 लीटर O2 गैस के साथ अभिक्रिया द्वारा 22.7 CO2 गैस और 45.4 लीटर H2 गैस, ये NTP पे लिया है। NTP मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर 273 केल्विन नहीं होगा, 298 केल्विन होगा, मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। ठीक है, 16 ग्राम अगर हम ग्राम में बात करें, भाई मोल है तो हम उसका मोलर मास होता है मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बोलेंगे 16 ग्राम एक मोल CH4 का मोलर मास होगा 16 ग्राम CH4 × 2 × 32 ग्राम, क्योंकि एक O2 का मोलर मास 32 होगा, तो दो O2 लग रहे हैं तो 2 × 32 के साथ अभिक्रिया करके 44 ग्राम CO2, देख लो ना कार्बन 12 और O2 32, 12 32 44, तो 44 ग्राम CO2 गैस और 2 × 18 ग्राम H2O, H2O में दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 16 ठीक और हाइड्रोजन 2, 16 2 18, तो 2 × 18 ग्राम H2O देती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, द्रव्यमान का संरक्षण नियमानुसार क्या था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो द्रव्यमान को हम बना सकते हैं और ना ही हम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन के अभिक्रिया के दोनों तरफ हमारा मास बराबर होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार संतुलित रासायनिक समीकरण, जो बैलेंस्ड रासायनिक इक्वेशन होगा, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, परमाणुओं की संख्या समान होती है मतलब एटम्स की संख्या समान होती है और उनके मास समान होते हैं। कई रासायनिक समीकरण जांच और भूल पद्धति से संतुलित किए जा सकते हैं, मतलब ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब भूल पद्धति से अगर एक तरफ बैलेंस किए दूसरी तरफ नहीं आ रहा है तो उसको भी बैलेंस करो, दूसरी तरफ भी उतना ही बनाओ। ठीक है, आइए हम कुछ धातुओं और अधातुओं का संयोग कर ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड उत्पन्न करने की अभिक्रिया पर विचार करें। अब यहाँ पर 4Fe जो कि आयरन है सॉलिड अवस्था में प्लस 3O2 गैस है, तो बन क्या रहा है 2Fe2O3 सॉलिड। ठीक है, समीकरण क की बात करें, ये संतुलित समीकरण है, कैसे देखेंगे, दोनों तरफ एटम की संख्या बराबर होनी चाहिए या दोनों तरफ मास बराबर होना चाहिए। इस तरफ कितने आयरन है, 4 आयरन के एटम है, तो उस तरफ कितने हैं 2 × Fe2, मतलब Fe2 को दो बार कर दो तो 4 हुए, मतलब इस तरफ भी 4 हैं। अब इस तरफ देखा जाए 3 × O2, ठीक है, मतलब कितने 6 ऑक्सीजन एटम है, इस तरफ देखा जाए तो O3 × 2 6 है, बैलेंस्ड है। दूसरा देखा जाए तो 2Mg सॉलिड है प्लस O2 गैस है, बना क्या रहा है 2MgO सॉलिड, समीकरण संतुलित है क्योंकि उस तरफ 2Mg एटम है और इस तरफ भी 2Mg एटम है, ऑक्सीजन O2 में मतलब 2 एटम है और इस तरफ भी 2 एटम है।
अब अगला हम देखें P4 सॉलिड प्लस O2 गैस देन बनाया P4O10 सॉलिड, असंतुलित समीकरण है क्योंकि हाँ फास्फोरस की बात की जाए P4 उस तरफ भी है P4 इस तरफ भी है, बट ऑक्सीजन की बात की जाए ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है O2 है, अभिकर्मक साइड में O2 है लेकिन उत्पाद साइड में 10 है, O2 उधर 2 है तो इधर कितना, उधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन 10 एटम है, तो हमें समीकरण क और ख संतुलित हैं क्योंकि क्योंकि समीकरण के तीर के दोनों ओर संबंधित धातु और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान है, दोनों तरफ संख्या समान है, परंतु समीकरण ग संतुलित नहीं है क्योंकि इसमें फास्फोरस के परमाणु तो संतुलित हैं परंतु ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान नहीं है, एक तरफ 2 है तो एक तरफ 10 है। इसे संतुलित करने के लिए समीकरण में बाईं ओर ऑक्सीजन के पूर्व 5 से गुणा करने पर समीकरण की दाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित होगी, तो P4 सॉलिड प्लस 5O2 तो अब इधर भी 10 हो गया गैस प्लस P4O10 उस तरफ भी 10 है, अब हो गया हमारा संतुलित समीकरण। आइए अब हम प्रोपेन C3H8 के दहन पर विचार करें, इस समीकरण को निम्नलिखित पदों में संतुलित किया जा सकता है, पद पहला अभिक्रियकों और उत्पादों के सही सूत्र लिखिए, यहाँ प्रोपेन एवं ऑक्सीजन अभिक्रियक और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पाद हैं, अभिक्रियक को हम रिएक्टेंट्स भी कहते हैं उत्पाद को हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, लेफ्ट वाला साइड जो होता है हमारा रिएक्टेंट होता है, राइट वाला क्या होता है प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बाईं वाला साइड रिएक्टेंट होता है और राइट वाला क्या होता है दाईं ओर वाला क्या होता है प्रोडक्ट होता है, ओके। तो अब देखते हैं C3H8 गैस, ठीक है, प्रोपेन गैस इसे कहते हैं प्लस O2 गैस, तो बनाया क्या रिएक्शन करने के बाद, वैसे भी जानते हो कि जब हमारे हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देते हैं, तो इस तरफ हमें मिला CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, असंतुलित समीकरण है क्यों, इस तरफ अगर देखा जाए कार्बन कितने हैं 3 एटम है कार्बन के, इस तरफ देखो कार्बन के एटम कितने हैं प्रोडक्ट साइड 1 है, हाइड्रोजन को देखो इस तरफ 8 है तो इस तरफ 2 है, रिएक्टेंट साइड 8 है तो प्रोडक्ट साइड 2 है, अभिकारक साइड अब ठीक है अब क्रियक साइड अगर 8 है तो इस तरफ उत्पाद साइड 2 है, अब O2 की बात कर लो तो अभिक्रियक के साइड में 2 है और इस तरफ 3 है, ओके। तो पद दूसरा है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या संतुलित करें, चूंकि अभी क्रियक में 3 कार्बन परमाणु हैं इसलिए दाईं ओर 3 CO2 परमाणुओं का होना आवश्यक है, तो इसलिए C3H8 गैस प्लस O2 गैस में इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गुणा कर दिया 3 CO2 बना दिया, मतलब 3 कार्बन हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब पद तीसरा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या संतुलित करें, बाईं ओर अभिक्रियक में अभिक्रियकों में 8 हाइड्रोजन परमाणु हैं, जल के हर अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, इसलिए दाईं ओर हाइड्रोजन के 8 परमाणुओं के लिए जल के 4 अणु होने चाहिए, तो C3H8 गैस प्लस O2 गैस देन 3 CO2 गैस एंड 4 H2O लिक्विड, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब पद चौथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या संतुलित करें, दाईं ओर 10 ऑक्सीजन 3 × O2 6 CO2 तो भाई 6 हो गए में तथा 4 × 1 जल में भी 4 हैं तो 4 × 6 = 10 हो गए टोटल, अतः 10 ऑक्सीजन परमाणु के लिए 5 O2 परमाणु की आवश्यकता होगी, सो C3H8 गैस प्लस 5 O2 गैस एन 3 CO2 गैस प्लस 4 H2O लिक्विड और हमारा रिएक्शन गया बैलेंस, ठीक है। तो पद पांचवा जांच करें और कि अंतिम समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या संतुलित है, हाँ संतुलित है बैलेंस्ड है, समीकरण में दोनों ओर 3 कार्बन परमाणु 8 हाइड्रोजन परमाणु और 10 ऑक्सीजन परमाणु हैं, ऐसी सभी समीकरणों जिनमें सभी अभिक्रियकों तथा उत्पादों के लिए सही सूत्रों का उपयोग हुआ है को संतुलित किया जा सकता है, हमेशा ध्यान रखें कि समीकरण संतुलित करने के लिए अभिक्रियकों और उत्पादों के सूत्र में पादांक सबस्क्रिप्ट नहीं बदले जा सकते,
मतलब सबस्क्रिप्ट नहीं बदले जा सकते, मतलब ये था कि जैसे CO2 है तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि अरे ऑक्सीजन उस तरफ बैलेंस नहीं है तो हम इसे CO बना दें, हाँ, या फिर 4H2O है तो हम हाइड्रोजन से जो दो हाइड्रोजन है उसे हम HO कर दें, या हाइड्रोजन को अलग कर दें ऑक्सीजन को अलग कर दें, ये नहीं बदला जा सकता। हाँ, उनकी संख्या को आप बढ़ा सकते हो, जैसे शुरू में एक हाइड्रोजन एक पानी था तो चार से मल्टीप्लाई करके चार पानी के मालिक्यूल कर दिए, और बट बाकी उसके फार्मूला में आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। इन शब्दों के आधार पर दिए गए आंकड़ों को एक दूसरे से इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, द्रव्यमान मोलों की संख्या अणु की संख्या, द्रव्यमान अपान आयतन क्या होता है, घनत्व होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट, जिसका काम क्या होता है कि ये रिएक्शन में कितने अभिक्रिया में कितने हमारे उत्पाद बनेंगे इसको ये क्या कहते हैं फिक्स करता है।